क्वेश्चन नंबर एक, हमें तीन पॉइंट याद करने हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। फिर क्या है टोटल, मतलब दोनों की जोड़। सबसे पहला पॉइंट है आपके नंबर वन, पहला पॉइंट क्या याद करना है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अभी बताया सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये नंबर वन, ऊपर देखो सेल्स आएगी, लेस क्या कर देंगे सेल्स इनकम और सेल ऑफ स्क्रैप भी आएगा। बाकी जो इनकम है वो आप क्या है अदर इनकम, इंटरेस्ट वगैरह ये सब आपके अदर इनकम है और व्यापार इनकम आपके ये है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, ये दे रखा है आपके 30 लाख। इसके अंदर से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, कितना हो रहा है 6,50,000, घटाओ तो कितना बचता है 23,50,000। इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये तो पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब दूसरा पॉइंट हम ऐड करेंगे इसके अंदर सेल ऑफ स्क्रैप, उन्होंने बताया था 4-5 पॉइंट बताया था इसके अंदर, वो सब लिखे आओगे सेल ऑफ स्क्रैप या सेल ऑफ वेस्टेज, ये आएगा कितना देने का है 1,50,000। ये कितना हो गया आप 30 लाख, 25 लाख। तो पहला पॉइंट आ गया है आपके 25 लाख का, कौन सा आ गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब दूसरा पॉइंट जो आपको याद करना है वो है आपके अदर इनकम, पीछे बची जो भी इनकम वो सब क्या आएगी आपके अदर इनकम, वो इनकम बची हुई है। नंबर वन क्या है आप सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट पर, उस पर आएगा कितना 2 लाख रुपए। फिर है आपके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो मिल रहा है आपको, जो भी डिबेंचर आप दूसरों को दे रहे तो मिल रहा है आपको, अब कितना मिल रहा है 50,000। जैसे इनकी जोड़ कितनी आई थी 25 लाख और इनकी जोड़ कितनी आई आपके 2,50,000। अब हमें क्या याद करना है टोटल कितना होता है, बताओ टोटल हो गया 27,50,000, ये हो गई है आपके टोटल इनकम, ये आ गया है टोटल इनकम। बस आपको पॉइंट्स याद है कि कौन सा पॉइंट कहाँ लिखना है, तो सबसे इजी पार्ट है तो आपको पॉइंट्स याद होने से कौन सा पार्ट कहाँ पर है। अब मैंने बताया था उसके अंदर दो पॉइंट बताए थे, इसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दो पॉइंट बताए थे, यहाँ पर आएगा कितना माल बेचा और उसका बी पॉइंट क्या था, इन्वेस्टमेंट अगर बेचते हो तो उससे इनकम मिलती है, तो वो भी आप क्या कहलाती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाती है, तो इसमें दे देगी। तो यहाँ क्या आएगा देखो, सबसे पहला पॉइंट नंबर वन क्या है आपके, वही जो इसमें याद करना है उसमें भी याद करना है, या क्या आएगा आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, विनियोग से मिलने वाली आय भी आपको इसी के अंदर लिखनी है। तो उससे ऊपर पॉइंट देर का आगे कितना, तो ये देर का है आपके प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना देर का है 5 लाख। विनियोग की आय आएगी लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग है, फिक्स एसेट्स है, उनकी जो इनकम होती है ना वो आपके अदर इनकम आती है। फिर मिसलेशन भी अदर इनकम आएगी, डिविडेंड रिसीव वो भी अदर इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी आपके अदर इनकम है, लोन आपने दिया उस पर आपको लोन मिल रहा है, लोन पर ब्याज मिल रहा है। तो ये आपके सेकंड पॉइंट में आए, फर्स्ट पॉइंट कम्प्लीट हो गया, सेकंड पॉइंट लेना है आपको, फर्स्ट पॉइंट कम्प्लीट, सेकंड क्या थे, सेकंड है आपके अदर इनकम। बस पॉइंट्स वो बताए हुए सारे सारे आपको याद होने चाहिए, ये कौन सा पॉइंट कहाँ आएगा ये आपको याद है तो प्रॉब्लम नहीं, सबकी जोड़ ही करनी है सर। ये क्या दे, सबसे पहले क्या दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 4.5 लाख। फिर है विश्लेषण अदर इनकम, कितना दे रखा है आपके 50,000। फिर दे रखा है आपके डिविडेंड रिसीव कितना हुआ, वो दे रखा है आपके 4 लाख। फिर है आपके इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कितना है 25 लाख। तो बताओ ये कितना होता है, ये हो गया आपके 34 लाख। दोनों का जोड़ कितना होता है, ये होता है आपके 44 लाख। ये आ जाएगी आपके टोटल इनकम, ये आ जाएगी आपके टोटल इनकम हो जाएगी। ये जो इनकम दो इनकम ये वाली इनकम कहाँ जाएगी आपके ऊपर, यहाँ आएंगे
एक तो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है और एक डिविडेंड। आपको इनकम याद है तो प्रॉब्लम नहीं है, बता यहाँ कितने आएंगे आपके, यहाँ तो आएंगे 5 लाख और ये कितने होते हैं, यहाँ कितने आते हैं, कितना था इंटरेस्ट आपके, ये तो था आपके 25 लाख था और ये कितना है डिविडेंड 4 लाख और ये कितना है आपके 5 लाख, ये कितना हो जाएगा 34 लाख, ये कितना हो जाएगा 5 लाख, जोड़ कितना होता है 2 लाख। तो कौन सा खर्चा किस में आएगा अगर आपको याद है तो हो जाएगा वरना भूल जाएगा।